आ जाओ बेटा चलो देखो तुम्हारी स्क्रीन पर देखो एक बार फिर से एक और अच्छा सा सवाल नजर आ रहा है ना, पढ़ो इसको देखो, मैं भी पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ो मिल करके। क्या बोला कि अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड आर्टिलरी गन विद एन इनिशियल स्पीड यू, ओके बहुत बढ़िया, सच दैट इट हिट्स द टारगेट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। ठीक है, कोई गन है उससे कहीं आर दूरी पर कोई टारगेट है और वहां पर जाकर वो ऐसे हिट कर देता है। ठीक है, फिर क्या बोला गया कि इफ टी वन एंड टी टू आर द वैल्यूज ऑफ द टाइम टेकन बाय इट टू हिट द ग्राउंड इन टू पॉसिबल वेज द प्रोडक्ट टी वन एंड टी टू इज। कितना आसान सवाल है भाई साहब, सेम कंसेप्ट के ऊपर बार 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 सवाल आए जा रहे हैं, है ना। पहले वो H1 और H2 का प्रोडक्ट पूछ रहा था, अब T1 और T2 का प्रोडक्ट पूछ रहा है। चार ऑप्शन तुम्हारे सामने, मैं करवा ही नहीं रहा हूं, मैं नहीं करवा रहा, खुद से करो 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 करो, शाबाश। हाँ सबको पता है करवा तो देगा, ये वीडियो में आया तो करवाएगा तो सही है ना, करो एक बार अटेम्प्ट करो, देखो मैं कराता हूं। करा पक्का, सोच ले, अब सुनो ध्यान से देखो। अब बोल रहा है कि भाई साहब कोई तो गन थी और वो फिक्स्ड थी, ठीक है, कोई तो गन थी, मान लो इस तरह से धरती माता रही होगी, ठीक है, और यहां पर मान लो कोई भी ऐसे गन वन है, ठीक है, कोई भी ऐसे मान लो गन वन है और वो गन फिक्स्ड है, ठीक है, और उससे जो गोला निकलने वाला है वो भी फिक्स्ड है, और यहां से कहीं भी आर दूरी पर मान लो ये कोई टारगेट है, ठीक है, ये कोई टारगेट है, तो एक बार तो मान लो थीटा एंगल पर जाएगा तब इसको हिट करेगा, और एक बार जब 2 थीटा एंगल पर जाएगा तो इसको ऐसे हिट करेगा, 90 माइनस थीटा पर जाएगा तब हिट करेगा। एक बार तो कब हिट करेगा, थीटा एंगल पर, एक बार कब हिट करेगा, 90 माइनस थीटा एंगल पर हिट करेगा। तो टाइम पीरियड तो दोनों बार अलग अलग होने वाला है कि नहीं होने वाला, बोलो पक्की बात एकदम। अच्छा टाइम पीरियड होता कैसे है, वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, वो होता है 2uy/g माने 2u sin थीटा और बाय जी, यही होता है ना, पक्का पक्का। सुनो इसके लिए जो टाइम आने वाला है मैं इसको T1 बोल देता हूं और इसके लिए टाइम को T2 बोल देता हूं, ठीक है। तो देखो T1 जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 2u sin थीटा/g, और जब T2 कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 2u sin 90 माइनस थीटा/g। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, अभी अभी बताया गया आपने को, तो भाई साहब T2 क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा 2 और u और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो 2u और कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय जी। अब अपने को बोला गया है कि T1 और T2 का प्रोडक्ट बताइए साहब कितना आ रहा है, तो बता देते हैं, आ जाओ सुनो, T1 और T2 को मल्टीप्लाई कर लो, तो T1 × T2 देखो कितना आया, ये आ गया, देखो दो दूनी तो 4 आ गया। मैंने कहा ठीक है कोई खास बात नहीं है, है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो उसके अंदर नहीं है, ये रहा भाई साहब, तो ये आया 4 और साथ में u² और साइन थीटा और कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय जी, यही आ रहा है ना, पक्का पक्का। अब देख ध्यान से देख, तो T1 × T2 और देखो 2 को अलग कर लेता हूं मैं और 2 को वहां अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, u² और sin 2 थीटा बन जाएगा, ये है ना, 2 sin थीटा × cos थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा और डिवाइडेड बाय जी हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखो u² sin 2 थीटा/g क्या होता है भाई साहब, रेंज होती है ना, तो भाई साहब T1 और T2 = कितना आया वो 2 और r और डिवाइडेड बाय जी, नॉर्मल सी बात भाई साहब, नॉर्मल सा सवाल, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई साहब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना उनके लिए रेंज सेम होती है, एक पार्टिकल को फेंके थीटा पर, एक पार्टिकल को फेंके 90 माइनस थीटा पर, तो जो रेंज हो जाएगी वो सेम हो जाएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ ना बोलो, आया नहीं आया भाई साहब, पक्का एकदम। चलो अच्छा सा इसका ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं।